हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौर आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 7.3 हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर रहे थे। 7.3 के हमने 17 सम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आगे बढ़ेंगे। एंड मैं वन मोर थिंग आपको एक्सरसाइज नंबर 7.4 के जो यूजफुल फॉर्मूला है वो भी आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो आज आपको वो फॉर्मूला भी प्रिपेयर करने हैं जिससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको उसके अंदर फायदा हो। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है cos2x + 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आप इस सम को दो मेथड से कर सकते हो, डिनोमिनेटर को सेपरेट करके भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक सिंपल मेथड ये बता रहा हूँ कि कॉस टू अल्फा की जगह पे मैं साइन स्क्वायर के फॉर्म में एक फॉर्मूला जानता हूं, कौन सा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। याद होगा आपको 11 साइंस का फॉर्मूला, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये 2 साइन स्क्वायर विल बी कट क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मेरा आंसर आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर, और सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर, तो 10x + c। ओके, एकदम सिंपल सा सम था, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पे मुझे क्या बोला है, 1 अपॉन sin x * cos3। ठीक है, नाउ वैसे इस सम को करने के लिए अगर यहाँ पे साइन क्यूब कॉस क्यूब होता या फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता, तो आप एक चीज, एक एमसीक्यू हमने किया था कि न्यूमरेटर में अगर 1 होगा तो मैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के सम को कर सकता हूँ। ओके, फिर डिनोमिनेटर को आप सेपरेट करके भी आगे बढ़ सकते हो, वो थोड़ी लेंदी, इस डिनोमिनेटर के लिए वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक चीज ये पता होनी चाहिए कि कॉस क्यूब है, अगर कॉस स्क्वायर होता तो 1 अपॉन cos² इसके जैसे, 1 अपॉन cos² को मैं ऊपर लेके जाता तो sec स्क्वायर बन जाता। हाँ, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है cos की पावर। तो मैं ऐसा काम करूँ कि भाई 1 अपॉन यहाँ पे sin, ओके, आप पावर डिक्रीज तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं काम करूं कि कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया और कॉस एक्स से डिवाइड किया, तो यहां पे पावर 3 थी, एक और पावर बढ़ जाएगी। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी आपको आइडिया आ जाएगा ये 1 अपॉन 10x और ऊपर बन गया 1 अपॉन cos⁴, तो ये क्या हो जाएगा, sec⁴x (dx). आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। अगर आप sec x की जगह पे t एज्यूम करोगे तो उसका डेरिवेटिव होता है, sec का डेरिवेटिव होता है tan x की जगह पे, अगर ये जो डिनोमिनेटर में 10 दिया, 10 की जगह पे अगर आप t एज्यूम करोगे, सपोज tan x = t, तो उसका डेरिवेटिव होगा sec² x (dx) = dt। लेकिन सर मेरे पास ऊपर sec की 4 पावर है। हाँ, तो एक काम हो सकता है ना, 4 पावर है तो क्या हुआ, मैं 4 पावर को sec² * sec² में डिवाइड करूंगा। पहला एक sec² को ऐसे लिखो sec² x * dx, देखो यहाँ पे 4 पावर थी, sec² x * sec² x / dx ऐसे लिखूंगा। एक sec² की जगह पे 1 + tan² आप लिख सकते हो क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, 11th और 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़े हैं, divide by 10x। अब ये सम एकदम सिंपल हो गया, मैं ऐसा एज्यूम करके सम को सॉल्व कर सकता हूँ, i = 1 + t की जगह पे क्या एज्यूम किया, 10 की जगह पे t लिया, तो यहाँ पे t² * dt sec² x / dx = t / t हो जाएगा। ओके, नाउ i = सेपरेट डिनोमिनेटर दो, 1 t + t² / t (dt) ऐसे लिख सकते हो, यस yes। तो ये क्या हो गया, t कैंसल, तो एक t यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 t, तो इंटीग्रेशन i = log (mod)t + सिर्फ t का इंटीग्रेशन होगा t² / 2 + c। अब t की वैल्यू मैं वापस क्या रखूँगा, 10, तो आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, answer = log (mod)x + 10² x / 2 + c। ओके, ये आपका आंसर। अगर कोई बंदा ऐसा सोचे कि सर मैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लेके भी सम करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर को सेपरेट दोगे तो एक स्टेप में आपको लिख के बताऊँ, ऐसा बनेगा sin x * cos³x, एक निकला साइन, तो यहाँ पे sin upon cos 10 x into
sec square x, पहली टर्म ये बनेगी प्लस, अगर cos square x है यहाँ पे sin x into cos x आए, cos की पावर 3x है तो ये 2 पावर निकल गई, 1 अपॉन यहाँ पे sin x into cos x बन जाएगा, ओके ऐसा कुछ बनेगा। इस स्टेप का आप इंटीग्रेशन जानते हो कैसे करना, लेकिन यहाँ पे अगर करना होगा तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, sin 2x 1 अपॉन sin 2x मतलब cosec 2x हो जाएगा, फिर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके दोनों मेथड से आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों की हिंट दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है cos 2x और नीचे दिया है cos x plus sin x, तो सबसे पहला मेरा दिमाग क्या चलना चाहिए कि cos 2x का आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से मैं डिनोमिनेटर ला सकता हूँ। एक फॉर्मूला है cos 2 alpha is equal to cos square x minus sin square x। सर डिनोमिनेटर कहाँ पे आया, आ जाएगा, दो मिनट सब्र करो। अब इसको स्प्लिट करते हैं, एक फॉर्मूला आता है cos x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, डिवाइड में दिया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर एक पावर कट हो गई यहाँ पे dx। देखो तो अब अगर मैं नीचे वाले का, ऊपर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अगर मैं नीचे वाले को t लेता हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t लूँगा, तो उसका डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन, साइन का कोस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऊपर सेट हो जा रहा है देखो बेटा, तो यह डी टी बाई टी बन जाएगा, डी टी बाई टी मतलब आंसर आ जाएगा लॉग मोड में टी प्लस सी, यहां पे लॉग मोड में टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 21st, सर साइन इनवर्स का अब तक मैंने आपको कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया नहीं है, ओके अगर करना होगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर्मूला से तो आएगा, आगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब तक आएगा, लेकिन ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स के बाजू में यहाँ पे कॉस दिया है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस को मैं साइन फाइव बाई टू माइनस एक्स के रूप में लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन इनवर्स के बाजू में साइन ही होना चाहिए, चैप्टर नंबर सेकंड को याद करिए, तो यहाँ पे साइन लाने कोस की जगह पे साइन लाने के लिए देखो ये दोनों एक ही लिखा है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करूँगा तो इनडायरेक्टली कोस आएगा, तो मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स साइन के साथ कैंसिल होता दिख रहा है, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखूँगा, यहाँ पे पाई बाई टू का इंटीग्रेशन पाई बाई टू इंटू वन होगा, तो वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, प्लीज़ राइट इट डाउन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट एमपी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ओके चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको कुछ पता नहीं चला होगा, आइडिया नहीं आया होगा कि सर क्या करें, ओके यहाँ पे तो x माइनस ए वाला एंगल है, यहाँ पे x माइनस बी वाला एंगल है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन आप 11th साइंस में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, आई होप कि ये आपको याद होगा, एंड यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा का भी पढ़े थे, यहाँ पे आएगा कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, याद है, हाँ सर याद है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, एक माइनस में भी आता है साइन अल्फा माइनस बीटा, एक कोस अल्फा माइनस बीटा भी आता है, लेकिन ये दो काफी है। आपको डिनोमिनेटर में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी दिया है, तो मैं इन दोनों में से कोई एक फंक्शन यहां पे सेट करूंगा, मैं बताऊंगा भी आपको कि रीजन क्या है वही सेट करने का। देखिए मैं सेट करूंगा साइन फंक्शन, देखो मैं सेट कर रहा हूँ मतलब मैं अपनी जेब में से नहीं डाल रहा हूँ, इसका रीज़न ये होता है कि आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो आप कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट बनाऊँगा उससे मल्टीप्लाई करूँगा और उससे डिवाइड, ताकि ये टर्म सेट हो जाए। आई मुझे एंगल ये बनाना है
हाँ, तो मैं ऐसा लिखूं कि भाई x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अगर लिखूंगा तो देखो तो साइन x माइनस ए माइनस एक्स, ये दोनों निकल दिया। हाँ, माइनस अंदर जाएगा तो b वाला पॉजिटिव। हाँ, तो ये इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, तो साइन b माइनस ए से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा सर। यस, ओके, डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस, सर ऐसा ही क्यों किया, साइन से ही क्यों किया। देखिए, अगर मैं ये फॉर्मूला देखूँ तो साइन के फॉर्मूला में एक साइन और कॉस, एक कॉस और साइन बीच में एडिशन, और कॉस के फॉर्मूला में या तो पहला दोनों कॉस आएगा, बाद का दोनों साइन, मतलब साइन का फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें साइन कॉस होगा, कॉस के फॉर्मूला पहला दो कॉस दूसरा दो। अगर आप कॉस अप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो ये कॉस कॉस के डिवाइड में कॉस कॉस माइनस साइन साइन के डिवाइड में साइन 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 के डिवाइड में कॉस कॉस आ जाता है। ओके, तो देखिए कॉस कॉस डिवाइड बाय कॉस कॉस, एंगल एक्स माइनस ए एक्स माइनस भी आपको समझना है, साइन साइन डिवाइड बाय कॉस कॉस, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 बन जाता दोनों का, यहाँ पे कुछ ऐसा बनता 1 माइनस 10 एक्स माइनस ए 10 एक्स माइनस बी, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते थे। ओके, अगर सोचते हैं तो हो जाएगा कुछ ना कुछ इसका आगे हो जाएगा, लेकिन आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सर क्या करें, मैं इसलिए साइन ही बनाया, यहाँ पे कॉस नहीं बनाया। आई होप कि आपको पता चला होगा मैंने कॉस क्यों नहीं बनाया। इजी बने, ये वन अपॉन साइन, यहाँ पे बी माइनस ए था, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, दोनों को डिनोमिनेटर सेपरेट में दू एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ओके, ये आपका सम बन गया। चलिए कॉस कॉस कट, तो यहाँ पे वन अपॉन साइन बी माइनस ए था, यहाँ पे इंटीग्रेशन 10 एक्स माइनस, ये दोनों कॉस कॉस निकल गया इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, मतलब यहाँ पे भी 10 बना, एंगल क्या आएगा एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। चलिए 10 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास है लॉग मोड में सेक। ओके, वन अपॉन साइन बी माइनस ए बना, यहाँ पे लॉग मोड में सेक एक्स माइनस, या फिर माइनस लॉग मोड में कॉस एक्स भी फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस लॉग मोड में sec x माइनस बी, लेकिन मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ प्लस सी, log x माइनस log y होगा तो log x बाई वाई मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वन अपॉन साइन b माइनस ए एज इट इज, यहाँ पे आएगा log sec x माइनस ए डिवाइड बाई sec x माइनस बी। ओके, ये आपका प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब मैं इस टर्म को वन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे वन सेक है तो वन अपॉन कॉस, यहाँ पे वन अपॉन कॉस, तो ये जो कॉस है वो उठ के ऊपर चला जाएगा, तो ये सब कुछ ऐसा बनेगा वन अपॉन साइन बी माइनस ए एज इट इज, यहाँ पे आएगा लॉग डिनोमिनेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा कॉस, लेकिन एंगल क्या आएगा एक्स माइनस बी अपॉन, ओके, यहाँ पे कॉस कर देंगे, हाँ लॉग यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी अपॉन लॉग एक्स माइनस से ऐसा होगा प्लस, ये आपका आंसर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। अगर बाई चांस आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी होगा, ये अगर उल्टा होगा तो उन लोगों ने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला होगा। ओके, बाकी अदरवाइज ये आंसर भी राइट है। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 के अंदर आपको देख के यही पता चलेगा ये एमसीक्यू रूप में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट करो तो साइंस स्क्वायर अपॉन साइंस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा,
माइनस कोस स्क्वायर अपॉन दोनों, तो ये वन अपॉन साइन स्क्वायर बन गया आएगा। ओके अब वन अपॉन सेक्स स्क्वायर मतलब वन अपॉन कोस स्क्वायर मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोसेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, टेन एक्स माइनस माइनस कोट एक्स प्लस सी। ओके तो ये हो गया टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 देख के आपको पता चल जाना चाहिए। अब तक हमने 7.2 के अंदर ऐसा किया था, अजीबोगरीब एंगल, फिर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सेट होना चाहिए। तो x e की पावर x इंटू एक्स को मैं अगर t लूँगा तो इसका डेरिवेटिव e रेज टू x एज इट इज प्लस x एज इट इज e रेज टू x इज इक्वल टू dt, ओके इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो दोनों में से e रेज टू x को कॉमन निकालूंगा तो आपके पास न्यूमरेटर बन रहा है, देखो। ओके सर एकदम सिंपल सा सम था, dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर टी इंटू डी टी। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t, ये tan t प्लस सी, और t की वैल्यू में क्या रख दूंगा वापस, ये tan e रेस टू x इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ 24। प्लीज राइट इट डाउन बेटा। फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 के लिए जो फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। ओके कौन से फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर ये कैसे याद रखेंगे, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। देखिए आप जब डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव, ये आपको पता है। वन मतलब कोई कांस्टेंट, यस माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, ये दोनों पैटर्न सेम ही मिलती है ना। मैंने देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, वाइस वर्सा प्रोसीजर होती है, ऑपोजिट प्रोसीजर होती है। ओके साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने किया तो ऐसा मिला, अगर इस चीज का मैं वापस इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन मिलना चाहिए। हाँ सीधी बात, ये साइन इनवर्स एक्स बाई वन है ऐसा समझिए आप। साइन इनवर्स एक्स बाई वन का मैंने डेरिवेटिव किया तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मिला, तो अगर इस चीज़ का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन की जगह पे वन के स्क्वायर की जगह पे मैं कोई एक का स्क्वायर, क्योंकि आपको हर बार वन नहीं दिया होगा, हर बार क्या दिया होगा, कोई अलग अलग कॉन्स्टेंट नंबर दिए होंगे, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा। तो इसका होना क्या चाहिए, साइन इनवर्स होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, देख लीजिए इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया, ये फॉर्मूला वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए मतलब क्या कोई कॉन्स्टेंट, वेदर इट इज फाइव तो आपको क्या लिखना होगा, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वेदर इट इज नाइन तो आपको थ्री का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके यहाँ पे फॉर्मूला सेट करने के लिए कैसे सेट करना है वो मैं आपको धीरे धीरे सम के साथ बताऊंगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद कैसे रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। ओके ये चीज़ जानते हो, और एक चीज़ अगर आप कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यस तो क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, याद होगा आपको। ओके तो इस माइनस को अगर मैं सामने दूँ तो चलिए ये माइनस बाहर निकाल दिया और यहाँ पे दूँ तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो मैं इस चीज़ का फिर से अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो आपको कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी मिल सकता है, तो इसका आंसर आपको माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए लिखने से भी कोई रोक नहीं सकता। ओके या तो इस चीज़ को आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखो या फिर अगर आपको ऐसा दिया है वन की जगह पे माइनस वन दिया है, क्या दिया है माइनस वन, तो आपको कॉस इनवर्स एक्स बाई ए लिखना है। अगर मुझे वन की जगह पे वन दिया है तो आप इसको क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, या फिर क्या लिख सकते हो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, लेकिन मेजोरिटी सब में 95% में मैं इसी का यूज़ करूँगा क्योंकि यही मेन है। ओके तो ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला के ऊपर से इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। चलिए तो एक फॉर्मूला समझे, फिर आप ये भी जानते हो कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन अब आपको पता चल गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर,
यस। अब वन की जगह पे मैं कोई कॉन्स्टेंट लिखूं तो ये वन अपॉन टेन इनवर्स का डेरिवेटिव किया तो ये मिला, तो इसका इंटीग्रेशन करने से टेन इनवर्स मिलना चाहिए। यस, लेकिन वन की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कॉन्स्टेंट ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसा। ओके, वन तो कॉन्स्टेंट ही है, तो ए लिखो या वन लिखो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूला बनेगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। देख लीजिए यहाँ पे ए फॉर यहाँ पे अगर आपको 5 प्लस एक्स स्क्वायर दी, आपको ऐसा बोला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसा बोला है। तो आप पहले लिखोगे क्या 1 अपॉन अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 5 टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 5 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा इस सम का। तो ऐसे सम सॉल्व करने। ओके, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला अगर आप कॉट इनवर्स का करते तो माइनस वन आ जाता, सीधी बात है। तो माइनस यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो इनडायरेक्टली अगर आपको इसको कॉट इनवर्स के रूप में लिखना है, इसका आंसर कॉट इनवर्स के रूप में लिखे तो आगे क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, लेकिन हम एक ही याद रखते हैं, ये दो फॉर्मूला हमने किया। फिर सर ये दो फॉर्मूला तो हमने देख लिया। ओके, और एक फॉर्मूला था किसका, आपको अब तक ठीक है ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, आया कहां से वो मैंने आपको बताया। आपको अब तक यहां पे कौन कौन सी टर्म दे सकते थे, अगर न्यूमरेटर में वन, आई रिपीट न्यूमरेटर में फिक्स वन ही होना चाहिए तभी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। देख लीजिए सभी के न्यूमरेटर देख लीजिए। ओके, देखिए कौन कौन सी टर्म आ सकती है, अगर स्क्वायर वाली होगी तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ सकती है, उसका फॉर्मूला ये मैंने आपको लिख के बताया वन अपॉन है टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ सकती है। तो उसका फॉर्मूला ये है वन ऊपर न्यूमरेटर में वन होगा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले विदाउट अंडर रूट वाले तीन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो क्या आएगा वन अपॉन टू ए लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी ऐसा फॉर्मूला। फिर क्या हो सकता है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी होता हो सकता है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पहले वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, यहाँ पे पहले कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। ओके, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा। ओके, ये तीन फॉर्मूला और ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर आपको ऐसा भी तो पूछ सकते हैं कि भाई वन अपॉन में अंडर रूट में सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है या फिर ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, लॉग मोड में एक्स प्लस, बीच में प्लस कंपलसरी रहेगा लेकिन अंडर रूट में यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस प्लस सी। ओके, तो ये दो चार और ये दो फॉर्मूला गिनो, छः फॉर्मूला 7.4 का बेस है। तो अगर आपको ये सिक्स फॉर्मूलाज आते हैं तो हम 7.4 अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ ये छः फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि आगे जब भी डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म बनती होगी मैं इसी का यूज़ करूँगा बेटा। ओके, लेकिन शर्त ये है कि न्यूमरेटर में क्या बनता होना चाहिए, वन, हर बार वन होगा तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे अगर एक्स आ गया तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे सिक्स होगा तो सिक्स को बाहर निकाल के वन बाई ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कॉन्स्टेंट होगा तो चलेगा, न्यूमरेटर के अंदर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वन। ओके, तो आज इतना रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 7.4 के साथ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।